तो चलो हम लोग सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां के लिए जो सर्वाइवर सीरीज इस साल का वॉर गेम्स का मैच होगा टीम कोडी टीम जजमेंट डे के बीच में, वो भी ऑफिशियल है। लेकिन क्या रोमन रेंज इस साल एक और मैच में कम्पीट करेंगे? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज क्राउन 12 के अंदर कम्पीट कर चुके हैं। ऑलरेडी रिपोर्ट थी कि अब रोमन नहीं कम्पीट करेंगे, अब वो आएंगे सीधा अगले साल। लेकिन कोई चांस है कि रोमन रेंज इस साल एक और मैच वैच में कम्पीट करेंगे, या फिर रोमन के साल के रेस्ट ऑफ द प्लान है उनको लेकर एक अपडेट है ये सामने के विल ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कभी भी आएंगे या फिर नहीं? और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे, हम लोग सीएम पंक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करूंगा एक क्विक अपडेट के साथ में जो कि रेसलमेनिया 40 के बारे में जुड़ी है एंड हमारे फॉर्मर नहीं बल्कि करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में। वो फॉर्मर मैंने गलती से लगा ली तो उसको फॉलो थ्रू करने के लिए कवर अप करने के लिए मैंने पूरी लाइन बना दी। तो देखो गंथर को लेकर रिसेंटली अपडेट ये आई है सामने कि रेसलमेनिया 40 के अंदर भी लाइकली है कि गंथर अपनी आईसी टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि जो बात आ रही थी सामने ना कि शायद गंथर अपनी चैंपियनशिप को जल्दी लूज कर जाएंगे, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा है और 6 महीने तक यूएसए के बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये भी है वो एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो यस यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है कि गंथर जो है वो रेसलमेनिया 40 में भी शायद डिफेंड करेंगे और रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ उनके ऊपर टाइटल रिंग पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे रेसलमेनिया 40 के अंदर ऐसे तो नहीं गंथर मिस कर देंगे ये 6 महीने के रिस्ट्रिक्शन के कारण। तो एक्चुअल में पेंसिल्वेनिया के अंदर होगा रेसलमेनिया 40 और पेंसिल्वेनिया यूएसए का ही पार्ट है, तो भाई यूएसए का पार्ट है ऑफकोर्स गंथर वहां पर जा सकते हैं। अगर हाँ यूएसए के बाहर होता तो चीजें दिक्कत वाली होती है हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए। जो अगली अपडेट है वो सीएम पंक के बारे में जुड़ी। अब सीएम पंक को लेकर मेरे पास कुछ अपडेट्स ऐसी हैं कि पहले हम लोग इनके रिसेंटली रॉ के जो टीजेस थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि फैंस को लगा कि शायद सीएम पंक का रेफरेंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो एक जो रेफरेंस आया था वो आया था मिज वाले टाइम के ऊपर, जब मिज कंपीट कर रहे थे उस फेटल 4 में पूरे मैच में। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, यहां पर बेसिकली वेड बैरेट ने एक वर्ड यूज किया था कि फायर इज बर्निंग इनसाइड द मिज। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये सीएम पंक का थीम सॉन्ग भी है, सीएम पंक के पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई थीम सॉन्ग का नाम या फिर उनके फर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई थीम सॉन्ग का नाम दिस फायर बर्न्स था। तो बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि मे बी क्या ये उसका टीज है या फिर एक रेफरेंस है। वैसे मुझे सुनने में तो जेनेरिक टर्म लग रहा है, लेकिन ये सीएम पंक की बात चल रही है तो कनेक्शन कहीं ना कहीं से तो बन ही जाएगा। एक और कनेक्शन है जब माइकल कोल अपनी कॉमेंट्री के टाइम पे यूज करते चीजों को, जब सेथ और सैमी से इनकी कॉन्फ्रंटेशन होती है ना शो की ओपनिंग वाले टाइम के अंदर, तो वहां पर एक वर्ड यूज है ही इज गोइंग टू लुक इनटू द आईज ऑफ सैमी ज़ेन। अभी माइकल कोल का रेफरेंस लोगों को लगा जो सीएम पंक का थीम सॉन्ग का लिरिक्स का रेफरेंस, लुक इन माय आईज व्हाट डू यू सी। इवन तुम लोग को बता दूं ऐसे जो साइन बोर्ड है वो भी दिखे थे आज मंडे नाइट रॉ के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस पे ज़ूम कर करके कैमरा दिखा रही थी। तो अचानक से इतनी सारे, मुझे तो लग नहीं रहा कि भैया कोइंसिडेंस वोइंसिडेंस होने वाले हैं, कोई ना कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई पंगे कर रही है। और श्योरली इस चीजों के अंदर हमें आने वाले टाइम में सीएम पंक का या फिर एक्चुअल रिटर्न होगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई हम सभी का पोपट है मजे ले रही है। अच्छा एक और चीज है कि सीएम पंक को लेकर रिसेंटली एक अपडेट है ये सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। मैंने बताया था ना एक वीडियो के अंदर की जो सीएम पंक है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी और बोर्ड मीटिंग इन सबकी मीटिंग वगैरह अरेंज कर रही है। तो तुम लोग को बता दो यहाँ पर फाइटफुल सिलेक्ट एक बात रिवील करता है, उनके अकॉर्डिंग जो सीएम पंक के क्लोज फ्रेंड है या फिर सीएम पंक के जितने भी आसपास के जानने पहचानने वाले हैं ना, वो लोग इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि सीएम पंक एक्चुअल में कमबैक करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट डाल रहा है रिपोर्ट्स में। देखो मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट यही मानना है कि अभी रिपोर्ट्स ऐसी आती रहेंगी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तुम्हें शायद कोडी का टाइम याद होगा राइट, कोडी रोड्स को लेकर भी तो था कि रेसलमेनिया वाले दिन तक बात चल रही थी कि सीएम पंक के छोड़ो कोडी रोड्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स आए एक्चुअल में रेसलमेनिया के अंदर, उनका एक बार फिर से कमबैक हुआ। तो ये जो चीज है ना मुझे लगा फैंस को थोड़ा नोटिस करना चाहिए कि हाँ भाई आने वाले टाइम में कुछ ऐसा चलता रहेगा। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। करंटली ये कुछ अपडेट्स अभी फिलहाल में तुम लोग को सीएम पंक को लेकर दे सकता हूँ। अगली अपडेट इस बार मंडे नाइट रॉ के ऑफ ईयर के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस अब जो है वो कोडी रोड्स के साथ आ चुके हैं, सैमी ज़ेन के साथ आ चुके हैं और जे यूसो आई मीन आई डोंट थिंक सो टीम किसी ने एक्सपेक्ट की होगी कि एक ब्लड लाइन का मेंबर हमारे विजनरी साथ ही में अमेरिकन नाइटमेयर और सैमी ज़ेन या फिर कह लो दो फॉर्मर ब्लड लाइन के मेंबर एक साथ आ रहे हैं वो भी किसी और टीम में। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रिसेंटली ऑफ ईयर की वीडियो क्लिप आई है सामने जहां पर सेथ रॉलिंस आते हैं, पहले एक तरह का फेस टू फेस करते कोडी के साथ में और फिर उनसे हैंडशेक करते हुए नजर आ, फिर एक एक करके सभी के साथ में एक तरह का अपना अलायंस दिखाते हैं या फिर दिखाते हैं कि हाँ भाई थैंक यू सो मच हम लोग एक साथ मिलकर अब सामने जजमेंट डे की बैंड बाजा बारात निकालने वाले हैं। तो मजा तो आएगा वॉर गेम शिकागो के अंदर जब इनका मैच होने वाला है। ये 25 नवंबर को होगा, सैटरडे दिन पड़ रहा है, इंडिया के अंदर ऑफकोर्स संडे की सुबह होने वाला है। तो क्या तुम लोग एक्साइटेड हो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। बाय द वे जो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार रिंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी है एंड गंथर के स्टैट्स को लेकर कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। और वो अपडेट बेसिकली ये है
कि जो गंथर है उनका मैच क्राउन ज्वेल शो के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में हमारे रिंग जनरल कम्पीट करेंगे। रिसेंटली जो मिज है वो नंबर वन कंटेंडर बने हैं, मिज और गंथर का आमना सामना होने वाला है। और तुम लोग को यहाँ पर यह बता दूँ कि एक बड़ी बात यह है कि ये मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद गंथर का उसका पहला मैच कह सकते हो, या फिर कह लो मनी इन द बैंक के बाद WWE जब बुक करी गंथर को एक प्रीमियम लाइव इवेंट में, तो वो ये वाला होगा। जुलाई के अंदर हुआ था मनी इन द बैंक, मंथ चल रहा है नवंबर, और नवंबर में जाके फाइनली गंथर को WWE शोकेस करेगी एक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर चैंपियनशिप डिफेंस के लिए। अब मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो एक चैंपियनशिप डिफेंस के लिए तो देखो एक चैंपियनशिप डिफेंस के लिए तो देखो देख के अच्छा लग रहा है कि WWE फाइनली गंथर को बुक कर रहे हैं, बिकॉज बंदे की टाइटल रेन तो अच्छी है, लेकिन प्रीमियम लाइव इवेंट्स मिस करना हल्का सा ऑकवर्ड या अजीब वाली सिचुएशन होती है कि भाई बंदा इतना डोमिनेटिंग है, या फिर वो एक तरह कहते हैं ना जी स्टोर लाइन डिलीवर करा तो WWE ने क्यों नहीं बुक कर रही है। और अच्छा भी है कि मनी इन द बैंक के बाद सीधा रिडल से फेस करनी है प्रीमियम लाइव इवेंट में, वो मिस का आमना सामना करेंगे, बिकॉज ये राइवलरी कुछ जरूर मस्त या टाइप की कहते हैं ना एक मस्त सीन राइवलरी फॉर श्योर होने वाली है। बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल न्यूज है वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। क्या रोमन रेंस साल 2023 में एक और मैच में कंपीट करेंगे या फिर नहीं, या फिर रोमन रेंस कहते हैं टट्टा गुड बाय मैं जा रहा हूँ घर सोने। तो देखो होता है कि रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, अपडेट के अकॉर्डिंग बात रही प्रीमियम लाइव इवेंट अटेंड करने की, तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के शायद अर्ली प्लान में रोमन होंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो प्लान है वो भी उनके अप एयर में कि रोमन पार्ट होंगे या फिर नहीं सर्वाइवर सीरीज के इस साल के वॉर गेम्स का। बात रही मैच के बारे में तो मैच का चांस यहाँ पर कम बताया जा रहा है, लेकिन शायद इस साल के एंडिंग के टाइम में रोमन रेंस को स्मैकडाउन के शोज में अपीयर होते हुए नजर आएंगे। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये कि ऑफकोर्स उनको अपना अगला फ्यूड भी तो बिल्ड करना है, तो WWE धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करते धीरे धीरे फ्यूड्स को आने वाले टाइम में शेप करती हुई नजर आती है, तो इसलिए हो सकता है साल 2023 में तुम्हें रोमन की तरफ से और भी अपेयरेंसेज दिखाई दें स्मैकडाउन के शो के अंदर, लेकिन मैच का चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो है। अब ये जो अपेयरेंसेज है मोस्टली दिसंबर के मंथ में हो सकती हैं, हो सकता है एक अपेयरेंस इस मंथ हो जाए, बाकी एक दो अपेयरेंस WWE अगले महीने करती हुई नजर आए, क्योंकि उसके बाद जनवरी में रॉयल रंबल होगा। तो ये कुछ अपडेट है कि मोर अपीयरेंसेस रोमन की हो सकती है स्मैकडाउन में, लेकिन मैच का चांस यहां पर बिल्कुल अभी फिलहाल कहते हैं ना एक शॉर्ट केस की तरह की चांस लगता नहीं कि ऐसी कुछ भी WWE चीजें करवाएगी। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो, हां ऑफ कोर्स साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर बाकी न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।